हे गाइस, क्या आपके पास टाटा प्ले बॉक्स है? पता होगा आपको कि टाटा स्काई अब टाटा प्ले हो गया और उसकी पिक्चर क्वालिटी भी बहुत बेटर हो रही है। लेकिन आपके पास टाटा प्ले बॉक्स है लेकिन पिक्चर क्वालिटी ठीक से नहीं आ रही। आपने HD का रिचार्ज भी किया है लेकिन पिक्चर क्वालिटी ठीक से नहीं दिख रही। तो एक छोटी सी सेटिंग होती है दोस्तों, वो करने के बाद 100% आपकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। तो चलते हैं टीवी स्क्रीन की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों हम आ गए टीवी स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको रिमोट दिखाना चाहूंगा क्योंकि इस पर ही सब आपको समझना होगा। तो सबसे पहले यहाँ सेटिंग बटन दिख रहा है दोस्तों, यहाँ लेफ्ट है, राइट है, अप है, डाउन है और सिलेक्ट है। सिलेक्ट मतलब ओके होता है और बैक बटन है और ये ब्लू वाला बटन है। हमको इतने बटन यूज करने है दोस्तों। तो हमको सबसे पहले दोस्तों सेटिंग बटन को प्रेस करना है दोस्तों। तो सेटिंग बटन प्रेस करने के बाद दोस्तों आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आने वाला है, आप देख सकते हैं टाटा प्ले के बॉक्स पर। तो आपको जाना है यूजर सेटिंग में दोस्तों। यूजर सेटिंग में जाने के बाद आपको यह सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आने वाला है दोस्तों। तो आपको जाना है थर्ड नंबर के ऑप्शन पर जहां लिखा है पिक्चर सेटिंग दोस्तों। तो आपको जाना है थर्ड नंबर पर और सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आने वाला है। तो आपको यह दिख रहा है दोस्तों, टीवी टाइप, टीवी स्क्रीन फॉर्मेट और कन्वर्शन फॉर 4.3 इनपुट वीडियो। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यह HD कर देना है। लेकिन आपको यह HD कैसे करना है दोस्तों, आपको जो राइट वाली की बटन दिखाया मैंने आपको, जो रिमोट में सिलेक्ट साइड को राइट वाला है, उससे यह कर देना है। देखो अभी यह HD भी लिखा है और HD भी लिखा है। लेकिन दोस्तों यह HD कब आएगा? अगर आपके पास HD बॉक्स लगा है टाटा प्ले का, आपके पास LED है और आपने HDMI केबल उसमें लगाई है, तभी यह HD आएगा। अगर आपके पास वो केबल नहीं लगाया हुआ है तो आपको यह HD आएगा ही नहीं, सिर्फ HD आएगा। नॉर्मल HD लिखा होता है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, और HD का मतलब होता है हाई डेफिनेशन। तो आपके बॉक्स में HDMI केबल लगना चाहिए दोस्तों, लगा होना चाहिए, तभी आपको HD ऑप्शन आएगा। ये तो हो गया, अभी हम बैक आते हैं, दूसरी मेन वाली सेटिंग बताते हैं दोस्तों, जिससे आपकी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी होने वाली। तो ये तो सेटिंग हो गई, अभी बैक आएंगे दोस्तों। बैक आने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया। तो आपको जाना है नीचे वाले HD सेटिंग में दोस्तों। तो यहाँ जाके आपको सिलेक्ट कर देना है। यहाँ सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ रेजुलेशन आ गया दोस्तों। तो गलती से कभी आपके पास का रेजुलेशन चेंज हो गया, अभी मेरा तो चेंज हो गया दोस्तों, देखो 480 पिक्सल हो गए। तो ये गलत है, अगर इस पर होगा तो आपकी पिक्चर क्वालिटी ब्लर करेगी दोस्तों। तो हमको जाना है दोस्तों सबसे नीचे दोस्तों, सॉरी सबसे नीचे से ऊपर दो नंबर में दोस्तों। तो वहां लिखा है 1080i@ HD दोस्तों। इस पर जाके दोस्तों आपको देख रहा होगा कि साइड में सेव सेटिंग लिखा है। तो मैंने जब भी आपको बताया था रिमोट में का हमको ब्लू बटन यूज करना है, तो रिमोट में का हमको ब्लू बटन ओके करना है दोस्तों। एक बार दबाना है सेव सेटिंग, तो ये देखो सेव हो रही है दोस्तों, सेटिंग सेव हो गई है। तो ये पूछ रहा है यस गो हेड नो एग्जिट, आपको करना है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नीचे लेके नो एग्जिट कर। लेकिन हमको पिक्चर क्वालिटी अच्छी बनानी थी, उसको हमको करना है सिलेक्ट। तो आपका रेजुलेशन देख सकते हैं दोस्तों, सिलेक्ट हो गया 1080। ये सब सेटिंग करने के बाद 100% दोस्तों आपकी पिक्चर क्वालिटी बेटर होने वाली है टाटा प्ले के बॉक्स में दोस्तों। और सबसे पहली बात मैं बताना भूल गया दोस्तों कि आपको क्या करना है, आपके अगर टीवी कौन से भी कंपनी का LED हो, आप ब्रांड हो, लोकल है, कौन से भी कंपनी का LED हो, तो उसमें एक भी पिक्चर सेटिंग होती है, उसमें जाके आपको शार्पनेस है ना थोड़ा सा कम करने होगा। अगर आपके शार्पनेस बहुत ज्यादा होगी तो भी आपकी पिक्चर क्वालिटी बर करेगी। आपने HDMI केबल लगाया हो या HD का बॉक्स हो, फिर भी आपकी पिक्चर क्वालिटी वो ब्लर होने वाली है, क्योंकि शार्पनेस बहुत ज्यादा होगी तो पिक्चर क्वालिटी आपकी ब्लर करने वाली है। तो आप क्या करें, अगर आपके टीवी के LED में अगर शार्पनेस 50 है तो एक बार 25-30 करके देखे दोस्तों। तो आपके ये करने के बाद और भी पिक्चर क्वालिटी अच्छी होगी दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर जिसने न किया है उसको मैं दिल से शुक्रिया देना चाहूंगा दोस्तों। मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।